कौन सा वायर कितना एम्पियर करंट ले रहा है और उस वायर के ऊपर हमें कौन सा एमसीबी, वायर कोई लगा हुआ है उस पर एमसीबी कोई लगा हुआ है, कभी कुछ ओवरलोड हुआ तो वायर जलता है, एमसीबी होना चालू हो जाएगा, वायर गर्म होना चालू हो जाएगा, वायर जलना चालू हो जाएगा। एमसीबी दो तरीके से ट्रिप होगा, ये पहले वायर जलेगी या एमसीबी ट्रिप होगा, पहले हमारी वायर जल जाएगी। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके ही चैनल में, आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि घर में यूज होने वाली वायर, कौन सा वायर कितना एम्पियर करंट ले रहा है, ये जानकारी हमें चाहिए देनी है। 1.5 का कितना लेता है, 2.5 का कितना लेता है, ये वायर्स जो है कौन सा वायर कितना एम्पियर करंट ले रहा है और उस वायर के ऊपर हमें कौन सा एमसीबी लगाना है, ये जानकारी काफ़ी अच्छी जरूरी है कि कौन से वायर के ऊपर हमें कौन सा एमसीबी यूज़ करना है। कभी कभी कैसा होता है, वायर कोई लगा हुआ है उस पर एमसीबी कोई लगा हुआ है, कभी कुछ ओवरलोड हुआ तो वायर जलता है, एमसीबी ट्रिप ही नहीं होता है। तो कौन से वायर के ऊपर कौन सा एमसीबी लगाना है और कौन सा वायर कितना लोड लेता है, ये सारे जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। कौन सा वायर कितना एम्पियर करंट लेगा और कौन से वायर पे कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी, वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं वायर का एम्पियर बता रहा हूँ, ये वायर इतना एम्पियर लेगा, तो वो सब ब्रांडेड वायर को आप पकड़ के चलना। पॉलीकैप हो गया, फिनोलेक्स हो गया, आरआर केबल हो गया, केईआई हो गया, इस तरह के ब्रांडेड कंपनी का आपको ये एम्पियर मिलेगा। आप लोकल वायर आप खरीद के लेके आ जाओगे 1.5 की, जिसकी गेज एक बिल्कुल बेकार रहेगी और आप ये वीडियो देखे रहोगे, अरे ये तो वायर 1.5 का है तो इतना एम्पियर करंट लेगा, ऐसा नहीं है। आप ब्रांडेड वायर यूज़ करो, केईआई, पॉलीकैप और फिनोलेक्स, आरआर केबल, बहुत सारे वायर्स है ब्रांडेड, उसे आप यूज़ करो, ये आपको प्रॉपर एम्पियर उसके वायर में आपको मिलेगी। सबसे पहले हम हाउस में यूज़ होने वाले वायर, जो लगने वाले ज़्यादातर वायर होते हैं, उस वायर का पहले हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा हाउस में वायर यूज़ होता है 1 square mm की, 0.75 की भी वायर यूज़ होते हैं, लेकिन वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वायरिंग हुआ और प्लम्बिंग का वर्क हुआ, ये हमें बार बार नहीं करवाना रहता है। वायरिंग हो गया, प्लम्बिंग का वर्क बार बार नहीं होता, तो कोई भी काम इस पे आप एक ही बार अच्छे तरीके से कीजिए। तो हाउस वायर में ज़्यादातर यूज़ होता है 1 square mm, 1.5 square mm, 2.5 square mm, 4 square mm, 6 square mm, 10 square mm और 16 square mm। 16 square mm तक के वायर को हम हाउस वायर में यूज़ करते हैं। 16 square mm का वायर ज़्यादातर नहीं मिलेगा, जो बड़े बड़े फ्लैट रहते हैं 3 BHK 4 BHK, तो उसमें 3 phase की लाइन रहती है, डीवी टू डक या डीवी टू मीटर, ये 16 square mm का वायर हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप ज़्यादातर हाउस वायरिंग में आपको मुझे लगता है 1.5 से 6, उससे ज़्यादा पड़ा तो 10 तक में आपका काम हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले जानेंगे कि ये सारे वायर कितने एम्पियर तक करंट लेता है और करंट लेने के बाद कितने एम्पियर तक करंट लेता है, उसके बाद उस वायर पे हमें एमसीबी कितने की लगानी चाहिए। सबसे पहले आपको बता दूं, 1 square mm की वायर 9 से 11 एम्पियर तक करंट लेता है। 1 square mm की वायर 9 से 11 एम्पियर तक करंट लेता है, जो हम पंखा, लाइट, ये सब का जो ऑफ वायर स्विचबोर्ड में उतारते हैं, उसके लिए ज़्यादातर हम 1 square mm की वायर यूज़ करते हैं। खैर, हमें अभी कौन सा वायर कहाँ यूज़ करना है इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, कौन सा वायर कितना एम्पियर करंट लेगा और उस वायर पे कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी, इसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। कौन सा वायर किस जगह के लिए खींचना है वो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, किस जगह के लिए पंखे के लिए कौन सा वायर लेना है, बल्ब के लिए कौन सा वायर लेना है, स्विचबोर्ड टू स्विचबोर्ड कौन सा वायर लेना है, स्विचबोर्ड टू मेन कौन सा वायर लेना है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल मैं कौन सा वायर कितने एम्पियर लोड लेगी और उस वायर पे कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है, उसके ऊपर ये वीडियो है। तो हमने 1 square mm का 9 से 11 एम्पियर तक लिख लिया कि 9 से 11 एम्पियर तक ये 1 square mm के वायर लोड लेगी। तो अब हमारा जो बारी आता है 1.5 का वायर, तो वो कितना लोड लेगा, तो 1.5 का वायर 12 से 14 एम्पियर तक लोड लेगा। 1.5 का वायर 12 से 14 एम्पियर तक का लोड बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लेगा। अब बारी आती है हमारी 2.5 की वायर, तो 2.5 की वायर कितना लोड लेगा हमारा, 2.5 की वायर 16 से 19 एम्पियर तक का लोड वो लेगा। 2.5 की वायर पे ज़्यादा से ज़्यादा लोड हम देंगे तो 19 एम्पियर तक लोड देंगे। इसमें एमसीबी कितने की लगाएंगे, तो इसमें एमसीबी कितने की लगाएंगे उसके बारे में मैं पूरा वीडियो देने वाला हूँ आपको, लास्ट तक जानकारी
इस जगह पे हमें एमसीबी कौन सी यूज करनी है। कभी कभी कैसा रहता है 2.5 की वायर लगी हुई है, इसमें हम एमसीबी लगाए हुए हैं, 16 की एमसीबी लगाए हुए हैं मान लीजिए, वो एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है, तो हम क्या करेंगे, चलो भाई एमसीबी ट्रिप हो रहा है हटाओ इसे, 25 का लगा दो एमसीबी। अब क्या होगा, 25 का हमने एमसीबी लगा दिया, वायर पे लोड बढ़ा 16 से 17 18 19 20 21 22 तक लोड गया, तो अब वायर ओवरलोड होना चालू हो जाएगा, वायर गर्म होना चालू हो जाएगा, वायर जलना चालू हो जाएगा। एमसीबी दो तरीके से ट्रिप होगी, या तो फेस न्यूट्रल का शॉर्ट सर्किट हो या फिर ओवरलोड हो। तो वायर गर्म हो रही तो शॉर्ट सर्किट अभी हो नहीं रहा, वायर जलने के बाद शॉर्ट सर्किट होगा, और ओवरलोड होगा नहीं जब तक, क्योंकि 25 एम्पीयर का एमसीबी लगाया है। तो ये पहले वायर जलेगी, एमसीबी ट्रिप होगा, पहले हमारी वायर जल जाएगी। तो हमें कभी भी वायर की जितनी कैपेसिटी रहती है, लोड कैपेसिटी, उससे कम की हमें एमसीबी लगानी चाहिए। अब हमारी 4 की वायर कितने एम्पीयर लोड लेगी, तो 4 की वायर 24 से 26 एम्पीयर तक करंट लेगी, जो ज़्यादातर हम 4 की वायर जो है एसी वगैरह में यूज़ करते हैं। अब बारी आई 6 की वायर की, तो 6 की वायर जो लोड लेगी आपकी वो 30 से 32 एम्पीयर तक 6 की वायर लोड लेगी, तो 6 की वायर 30 से 32 एम्पीयर तक लोड लेगी। ज़्यादातर आपको 6 तक के वायर में, आपको फ्लैट्स के वायरिंग में आपको कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 10 के वायर कभी कभी ज़्यादा लोड रहा तो मेन खींचते हम लोग, तो 10 का वायर कितना लोड लेता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो 40 से 42 एम्पीयर तक 10 के वायर पे लोड दे सकते हैं। अब रह गया ये 16 स्क्वायर एम का वायर। 16 स्क्वायर एम वायर मैंने पहले भी बताया कि 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स रहते हैं, उनके मेन खींचने के लिए हम 16 का वायर यूज़ करते हैं। तो 16 का वायर हम डीवी टू डक या डीवी टू मीटर रूम यूज़ करते हैं। तो 16 का वायर जो हमारा लोड लेगा वो लोड लेगा 52 से 56 एम्पेयर तक। लेकिन ये आप ध्यान रखना, ये सारे वायर जो लोड मैंने दिया है ये ब्रांडेड कंपनी के वायर को आप यूज़ करना, लोकल वायर लाओगे तो आपका इतना करंट नहीं लेगा। अब बात रह गई क्या, इस वायर पे हमें एमसीबी कौन सी डालनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि 1 स्क्वायर एम की वायर लोड कितना ले रहा है, तो 9 से 10 11 एम्पीयर तक लोड ले रहा है, तो हमें वायर जितना लोड ले रहा है उससे कम की एमसीबी डालना है, तो हम इसमें डालेंगे 6 की एमसीबी। 1.5 की वायर हो गई तो ये लोड कितना ले रहा है, 12 से 14 एम्पीयर तक, तो इस पर हम डालेंगे कौन सा एमसीबी, 6 का भी डाल सकते हैं, 10 का भी डाल सकते हैं, 6 10 दोनों में से कोई भी डाल दीजिए। अब 2.5 की वायर हमारा करंट कितना ले रहा है, तो 16 से 18 19 एम्पेयर तक करंट लेगी, तो इस पर हम एमसीबी डालेंगे 16 एम्पेयर की। 4 स्क्वायर एम की वायर 24 से 26 एम्पेयर तक करंट ले रही है, तो हम इस पर एमसीबी डालेंगे 16 से 20 एम्पेयर की एमसीबी हम डालेंगे। अब रह गए 6 एम्पेयर की, तो 6 एम्पेयर का 6 स्क्वायर एम की जो वायर है वो हमारी 30 से 32 एम्पेयर तक करंट ले रही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 की एमसीबी डालेंगे, जो हमें वायर को प्रोटेक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से देगी। अब 10 स्क्वायर एम जो हमारा वायर है वो ले रहा है 40 से 42 एम्पेयर, तो इस पर जो हम एमसीबी लगाने वाले हैं वो 32 से लेके 40 तक की एमसीबी हम देंगे। लास्ट में बच जाता है ये 16 स्क्वायर एम जो हमारा वायर लोड ले रहा है 52 से 56 एम्पेयर, इस पर भी हम 40 एम्पेयर की ही एमसीबी यूज़ करेंगे। एमसीबी जितने भी वायर की जो एम्पेयर कैपेसिटी है उससे कम की हम एमसीबी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें वायर को बचाना है, उसी हिसाब से हम एमसीबी लगाना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रिप हो रहा है और हम एमसीबी बढ़ा दें तो वो चलो एमसीबी ट्रिप होना बंद कर दिया। जितना वायर का कैपेसिटी है उससे कम की हमें एमसीबी लगानी है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए। इसी तरह के इलेक्ट्रिक्स रिलेटेड मैं नए नए वीडियो लाते रहता हूँ, हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।